रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जिस समय एक मंदभागी खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा, दरअसल दो बसां अते एक टैंकर की आपस दे विच टक्कर हुई है। टक्कर इन्नी भयानक सी कि दोनों बसां ने जिहड़ियां पलटियां ने, एक बस डिवाइडर के दूजे पासे चली गई है, जबकि दूजी जिहड़ी बस है वह पलटी और कई सवारियां इस हादसे दे विच जख्मी हुई ने। बहुत सारे लोग गंभीर रूप दे विच जख्मी हुए ने। दस दिए कि एक बस खराब होकर पहला रोड के उत्ते खड़ी सी, तो पिछों आ रहे एक टैंकर ने पहला उस खराब बस को टक्कर मारी, जिस तो कुछ समय के बाद एक होर बस है जी आ रही थी, तो उसके वालों टैंकर के जी टक्कर मारी जाती है। तो जी बस बाद आके टक्कर मार दी, उस सवारियां जिहड़ियां सवार सन और बस टक्कर तो बाद उत्थे ही पलट जाती है, जिस कारण कई जिहड़ियां सवारियां ने गंभीर रूप दे विच जख्मी हुई ने, जबकि ड्राइवर अते कंडक्टर भी गंभीर रूप दे विच जख्मी हुए ने और जख्मियों नूं चंडीगढ़ PGI रैफर किया गया, जबकि बाकियों नूं राजपुरा दे एक हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। दस दिए कि राजपुरा दे मुक्त चौंक दे उत्ते इह हादसा वापरिया है, जिथे दो बसां अते एक टैंकर दे विचकार टक्कर हुई है। बीती रात का मामला है, जदों एक टैंकर उस रोड दे उत्ते आके एक बस नूं टक्कर मारदा, तां उस तों बाद टैंकर का जिहड़ा ड्राइवर है उत्थों फरार हो जाता है और टैंकर उत्थे ही खड़ा रहिंदा। तां जिहड़ी बस पहला रोड दे उत्ते खड़ी सी, जिस नूं टैंकर ने आके टक्कर मारी सी, वह बस डिवाइडर पार करके दूजे पासे चली जांदी है। तस्वीरां दे विच तुहानूं नज़र भी आ रहा होगा कि जिहड़ी बस है किस तरीके दे नाल दूजा रोड भी जिहड़ा क्रॉस करके डिवाइडर भी पार कर चुकी है और उत्थे ही जिहड़ी बस मगरों बाद दे विच आउंदी आ ते उसदी टैंकर दे नाल टक्कर हुंदी आ, वह बस है जी भी रोड के उत्ते पलटी हुई तुहानूं नज़र आ रही होगी और चकना चूर हो चुकी है। ड्राइवर साइड देखोगे बस है जी फ्रंट साइड तो किस तरीके चकना चूर हो चुकी है और कई जिहड़ियां सवारियां इस बस के सवार सन उन्होंने गंभीर सट्टा लगियां ने, जिन्हां दे विचों कईयां दी हालत नाजुक है ते उन्होंने चंडीगढ़ PGI रैफर किया गया है। दस दिए कि टक्कर होने के कारण कई जिहड़े लोग ने गंभीर रूप दे विच जख्मी हुए ने, जबकि कई मामूली सट्टा लगियां ने, जिन्हां नेड़े दे हस्पताल राजपुरा दे एक हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। जिहड़ी बस पहला रोड दे उत्ते खड़ी सी वह टायर पेंचर होने के कारण उत्थे खड़ी सी, टायर दे विच प्रॉब्लम सी, पेंचर सी, जिस तों बाद ड्राइवर दे वल्लों बस दे जिहड़े स्टाफ दे वल्लों अपने मुलाजमान नूं जानकारी दित्ती गई, संबंधित अधिकारियों नूं जानकारी दित्ती गई, तो ड्राइवर का कहना सी कि उन्होंने तक उदों सहायता नहीं पहुंची। तो जदों अधिकारियों ने गलबात की गई, अधिकारियों का कहना सी कि उन्हां को अजे स्टाफ नहीं है और टायर नहीं है, इस करके उन्होंने समा लगेगा, तो वह बस रोड के उत्ते ही खड़ी सी। उस तो बाद जदों पिछों एक टैंकर आता है तो टैंकर आके उस बस को टक्कर मारता है, तो जिहड़ी बस है रोड क्रॉस करके डिवाइडर पार करके दूजे पासे चली जाती है, तो जिहड़ा टैंकर का ड्राइवर हुंदा है उत्थों उस समय फरार हो जाता है, जिस तो बाद जिहड़ी दूजी बस आ उह सवारियां नूं लैके जदों जा रही सी तां रस्ते दे विच टैंकर दे नाल उसकी टक्कर हो जाती है तो उत्थे ही बस पलट जाती है, जिस कारण कई जिहड़ियां सवारियां ने गंभीर रूप दे विच जख्मी हो जाती ने, जिन्हां दे विचों कईयां दी हालत नाजुक दसी जा रही है, जिन्हां नूं चंडीगढ़ दे PGI रैफर किया गया, उत्थे जिहड़ियां बाकी दियां सवारियां ने जिन्हां नूं मामूली सट्टां लगियां ने, तां उन्हां नूं राजपुरा दे हस्पताल दे विच इलाज दे लई दाखिल करवाया गया। तां तस्वीरां तुसीं लगातार देख रहे हो कि किस तरीके दे नाल बसां दी भयानक टक्कर होई है और कई लोग इस हादसे दे विच जख्मी होए ने। राजपुरा दे मुक्त चौंक दे उत्ते जिहड़ा इह हादसा वापरिया है, बीती रात का मामला है, जदों बस उत्थे खराब होकर रुकती है तो उस तो बाद टैंकर आके टक्कर मारता है, तो उस तो बाद PRTC की जिहड़ी दूजी बस आउंदी आ वह भी उस टैंकर दे नाल टकरा जांदी आ। उत्थे ही इस दौरान जांच कर रहे अधिकारियों ने की कुछ किया अते बस दे ड्राइवर दे वल्लों की जानकारी सांझी की गई, तुहानूं वह भी सुना दिंदे आ। मेरा जीवन कुमार जी, जीवन जी किवें होया हादसा? यह हादसा तो जी टायर पेंचर सीगा होया इत्थे जी गड्डी नूं, रात का होया सीगा टायर पेंचर, कोई मैक्सीम 10 साढ़े 10 बजे आ गए, टैंकर ने पिछों गड्डी मार के गड्डी दूजी साइड रोंग साइड टपाती हुई है, वो टैंकर वाला ड्राइवर फरार हो गया जी। ते तुसी केड़ी साइड तो आ रहे थे जी? मैं बठिंडे तो चंडीगढ़ जा रहा था जी। ते ए, तुसी किस तरह खड़े सी उरे साइड ते? असी इत्थे डिवाइडर दे नाल गड्डी ला के खड़े हुए सी, पिछे झाड़ियां वगैरह भी सिटियां हुई थी, बहुत मतलब ट्रैफिक चलता रहा फिर ट्रक ड्राइवर नूं पता नहीं नींद आ गई जां की होया जी, अच्छा जी पता नहीं लग्या क्या हिट करन तों बाद गई उधर। हाँ जी, हिट करन तों बाद ए बस दा एक्सीडेंट किस तरह होया? ए बस दा एक्सीडेंट, ए टैंकर खड़ा सीगा जी,
ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਡ ਗੱਡੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੜਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆਓ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਹੈ ਲੁਕਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰੀ 'ਚ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਡਰੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਡਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ